हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेलियो टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एआरटी और एआरएमवी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन के लिए जो सायरन कोड होते हैं उनके बारे में जानेंगे, जिसे हम हूटर कोड भी कह सकते हैं। एआरएमई की रिक्वायरमेंट हमें कहां पर है, एआरटी की रिक्वायरमेंट कहां पर है, इसके लिए हमें कुछ सिग्नल दिए जाते हैं, स्टेशन पर हूटर्स बजते हैं, तो उनकी क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग एआरटी या एआरएमई की रिक्वायरमेंट को समझा जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूं। सर्कमस्टेंसेस हैं और क्या कोड है, तो हम यहां पर क्या सर्कमस्टेंस है। फॉर एक्सीडेंट इन लोकोस एट ट्रैफिक यार्ड एट होम स्टेशन रिक्वायरिंग ओनली एआरटी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन की जरूरत है। कहां पर? एक्सीडेंट इन लोको साइड ट्रैफिक और ट्रैफिक यार्ड एट होम स्टेशन, और उसमें केवल हमें एआरटी की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए जो कोड होगा या हूटर होगा या जिसे ब्लास्ट भी बोलते हैं या सायरन भी बोलते हैं, तो वो कितने होंगे? तो इसके लिए टू लॉन्ग हूटर, ये जो हूटर्स होंगे ये हर 45 सेकेंड का होगा। टू लॉन्ग हूटर ईच 45 सेकेंड ड्यूरेशन with 5 second break in between। इसका means ये हुआ कि दो हूटर बजेंगे, प्रत्येक 45 सेकेंड का होगा और उनके बीच में 5 second का ब्रेक रहेगा। ये पहला हो गया। इसी तरह से दूसरा हमारा circumstance क्या होगी? For accident outside the home station requiring only AR। यहां पर होम स्टेशन में आपको बता देता हूं होम स्टेशन से क्या मतलब है। होम स्टेशन उसे बोलते हैं जहां पर एआरटी या एआरएमई ये स्टेबल्ड होते हैं, जहां पर ये खड़े होते हैं हमेशा, उसे होम स्टेशन कहते हैं। तो सेकंड जो सर्कमस्टेंस है उसमें हमें बोला गया है फॉर एक्सीडेंट आउटसाइड द होम स्टेशन रिक्वायरिंग ओनली एआरटी। तो इस कंडीशन में हमारे 3 लॉन्ग हूटर बजेंगे, 3 लॉन्ग हूटर हो जाएंगे ईच ऑफ 45 सेकेंड ड्यूरेशन विद 5 second ब्रेक इन बिटवीन। यानी पहला हूटर बजेगा 45 सेकेंड तक, फिर उसके बाद 5 second का गैप हो जाएगा, फिर 45 सेकेंड का दूसरा हूटर, फिर 5 second का गैप हो जाएगा, फिर 45 सेकेंड का तीसरा हूटर हमारा बजेगा। तो ये 3 अगर हूटर बजते हैं तो इसका मतलब है एआरटी हमें आउटसाइड होम स्टेशन रिक्वायरमेंट है। थर्ड सर्कमस्टेंसेस हमारी क्या है? फॉर एक्सीडेंट एट होम स्टेशन रिक्वायरिंग बोथ एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन एंड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन, तब इस कंडीशन में 4 लॉन्ग हूटर होंगे हमारे ईच ऑफ 45 सेकेंड ड्यूरेशन विथ 5 second ब्रेक इन बिटवीन। यानी 4 लॉन्ग हूटर बजेंगे, 45 सेकेंड का प्रत्येक का ड्यूरेशन होगा और 5 second का उनके बीच में गैप रहेगा। नंबर 4 जो हमारा सर्कमस्टेंसेस है फॉर एक्सीडेंट आउटसाइड होम स्टेशन रिक्वायरिंग बोथ एआरटी एंड एआरएमवी, तो इस कंडीशन में हमारे 5 लॉन्ग हूटर हो जाएंगे ईच ऑफ 45 सेकेंड ड्यूरेशन विद 5 second ब्रेक इन बिटवीन। तो ये मैंने आपको 4 केस बताए। चौथा केस में आउटसाइड इस होम स्टेशन के आउटसाइड हमें एआरटी और एआरएमबी दोनों की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए हमारे 5 लॉन्ग हूटर होंगे, प्रत्येक हूटर 45 सेकेंड का होगा और 5 second का हर हूटर के बाद गैप रहेगा।
नेक्स्ट लास्ट जो हमारा इसका है वो हो जाएगा फॉर कैंसिलेशन ऑफ मेडिकल वैन एंड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। इनको अगर हमें कैंसिल करना है तो इसके लिए वन लॉन्ग हुटर ऑफ 90 सेकेंड ड्यूरेशन, 90 सेकेंड का एक लंबा हुटर अगर बचता है तो वो हमारा एआरटी और एआरएमई की कैंसिलेशन के लिए होगा। इसमें एक नोट हम समझ लेते हैं, रिपीट करते हैं, अलार्म कोड और हुटर सेल बी रिपीटेड ट्वाइस, इनको दो बार हमें रिपीट करना है विथ इंटरवल ऑफ 5 मिनट बिटवीन ईच कोड सिग्नल। वो थोड़ा सा समझा देता हूं कैसे। मान लिया हमारा चौथा केस है एआरटी और एआरएमबी को हमें आउटसाइड होम स्टेशन रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में हमने क्या लिखा है कि 5 लॉन्ग हुटर बजेंगे। तो देखिए पहला एक हुटर बजा 45 सेकेंड, फिर हमने 5 सेकेंड का गैप कर दिया, फिर दूसरा हुटर बजा 45 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड का हमने गैप किया, फिर तीसरा हुटर बजा 45 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड का हमने गैप, चौथा हुटर बजा हमारा 45 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड का गैप हो गया, फिर 45 सेकेंड का पांचवा हुटर बजेगा। क्योंकि हमें 5 लॉन्ग हुटर बजाने थे तो हमने 5 हुटर बजा दिए हैं। ये एक बार हमारा प्रोसेस हुआ। अब इसके बाद जब हम रिपीट करेंगे तो हमें यहां पर 5 मिनट का गैप देना है। 5 मिनट का जब गैप दे देंगे उसके बाद यही प्रोसेस हमें फिर से यहां पर रिपीट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये हमारे सायरन कोड हो गए या फिर हुटर कोड हो गए एज पर रिक्वायरमेंट या एज पर सर्कमस्टेंस, जो भी हमारी कंडीशन है एआरटी और एआरएमई की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारे सायरन कोड है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।